ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में सोशल मीडिया पर चरम पर है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की चाह में कभी कभी ऐसे ट्वीट कर देते हैं जो कि सियासत को गर्मा देते हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को अपने उस ट्वीट को हटा दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अंगूठा छाप और अनपढ़ बता दिया था। इस ट्वीट के लिए कांग्रेस ने खेद भी व्यक्त किया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या लेकिन केवल खेद जता देना इस मामले को खत्म करने के लिए काफी है। भाजपा भी इसको लेकर हमलावर है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि केवल कांग्रेस ही इतना नीचे गिर सकती है। कर्नाटक कांग्रेस ने कन्नड़ में किए गए अपने ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस ने स्कूल बनाए लेकिन मोदी कभी पढ़ने नहीं गए। कांग्रेस ने व्यवसायों को भी पढ़ने के लिए कई योजना बनाई लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ भी कुछ नहीं सीखा। जिन लोगों ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के बावजूद भीख मांगना चुना वे आज आम लोगों को भीख मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देश अंगूठा छाप मोदी के कारण भुगत रहा है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को लेकर भाजपा की प्रवक्ता मालविका अविनाश ने कहा कि केवल कांग्रेस ही इतना नीचे गिर सकती है, ऐसी टिप्पणी जवाब देने लायक भी नहीं है। वहीं इस ट्वीट को लेकर अब कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया को इस ट्वीट को हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट को करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। शिवकुमार ने कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, डीके शिवकुमार ने इसके बाद ट्विटर पर माफी में मांगी और बताया कि ये नौसिखिए की गलती थी। डीके ने ट्वीट में लिखा कि मेरा हमेशा से मानना है कि राजनीतिक चर्चा में नागरिक और संसदीय भाषा होना जरूरी है। कर्नाटक कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए एक नौसिखिए सोशल मीडिया मैनेजर की ओर से किया गया असभ्य ट्वीट खेदजनक है और उसे हटा लिया गया है। आपको बता दें, कर्नाटक में सिंदगी और हंगल विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। जनता दल सेक्युलर और भाजपा के विधायकों के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बहुत कुछ दाव पर है क्योंकि बसवराज मोमई के बाद बीएस येदियुरप्पा की जगह मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला वोट है। हंगल नए मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र शिगगांव के ठीक बगल में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2023 में होने वाले राज्य चुनावों से पहले दोनों सीटों पर जीत से पार्टी मजबूत होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।